हाँ चलो देखो इधर इधर देखो सब, चैप्टर टू पार्ट टू का ज्योमेट्री का चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। इससे रिलेटेड हम छठवीं से पढ़ते आ रहे हैं थ्योरम। नहीं किसने बोला, किसने अभी तक नहीं पढ़ा क्या पाइथागोरस थ्योरम? पक्का किसने किसने नहीं पढ़ा है, किसने किसने नहीं पढ़ा है अभी तक पाइथागोरस थ्योरम? क्या होता है फॉर्मूला? हाँ 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 साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये नहीं होता है साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अच्छा ये थ्योरम कहाँ लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं अश्मीर, हाँ अश्मीरा कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं? हाँ बेसिक कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से बेसिक में आ गया? मेन थ्री टाइप्स ट्रायंगल्स के कौन से? हाँ कितने? हाँ 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 ऑब्ट्यूज इंटीरियर एक्सटीरियर, मैंने वो तीन बोला मैंने। हाँ पर साथ शादी का खाना थोड़ी ना खान जा रहे, जो मिल रहा हो खाया रहे। हाँ केलन आइसोसेलस बैठो, केलन आइसोसेलस और इक्विलेटरल क्या बोलता है जिसके तीनों साइड्स और मेजर ऑफ ईच एंगल, आइसोसेलस क्या बोलता है अपोजिट साइड्स, ये अलग ही अपना थ्योरम चल रहा है। आइसोसेलस का मतलब हो गया कि दो साइड्स क्या होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट थ्योरम। ट्रायंगल में अपने को सिंपल यही बोलना आता है कोई भी ट्रायंगल के दो साइड सेम तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, और स्केलन मतलब तीनों साइड्स अनइक्वल होती है, तीनों साइड्स क्या होती है क्या। और एक चीज नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ा था हमने, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे ठीक है। क्या है ए बी थ्री है बी सी फोर है और ए सी क्या है पता, कौन सा एंगल बड़ा रहेगा? हाँ कौन सा एंगल बड़ा रहेगा सी, कौन सा एंगल बड़ा रहेगा सी, कौन सा एंगल बड़ा रहेगा नहीं पता, कौन सा एंगल बड़ा रहेगा सी, कौन सा एंगल बड़ा रहेगा सी, कौन सा एंगल बड़ा रहेगा? किस बेसिस पे बोल रहे हो तुम लोग भी, किस बेसिस पे बोला भी है तो फिर तुक्का मारना है क्या, कौन सा एंगल बड़ा रहेगा? थ्योरम पढ़े थे इससे रिलेटेड हमने कि बड़े साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होता है, छोटे साइड का अपोजिट एंगल छोटा होता है। बड़ा साइड कौन है इसमें, पाई का अपोजिट एंगल कौन है तो बी क्या हो गया सबसे सबसे छोटा कौन सा होगा, और मिडल ये पढ़े थे नाइन्थ में, और ये भी पढ़ा था कि तीन साइड्स का तीन सेगमेंट दी है, तीन सेगमेंट्स वो तीन सेगमेंट्स का यूज करके तुम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते कि नहीं ड्रॉ कर सकते, बिन ड्रॉ किए हम बता सकते हैं हाँ कि ना, बता सकते क्या बिन ड्रॉ किए ऐसे कैसे पॉसिबल है बता हाँ बोलो अश्मीरा नहीं नहीं आज जो भी हो समझ गए ना तुम खड़ी हो जाओ हाँ बोलो। ट्रायंगल की तीन तीन लेंथ दिया हुआ है, मान लो तीन सेगमेंट्स दिया है, तीन सेगमेंट्स की लेंथ दिया हुआ वन दे दिया टू दे दिया थ्री दे दिया, क्या ये तीनों सेगमेंट्स की लेंथ का यूज करके तुम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो विदाउट ड्रॉ किए? बताना है ट्रायंगल ड्रॉ होगा कि नहीं होगा विदाउट ड्रॉ किए, हाँ कैसे बताएंगे ड्रॉ करके? मैंने बोला विदाउट ड्रॉ किए हुए, हाँ बोलो अगर वो बढ़ाएगा तो ट्रायंगल ड्रॉ, दो छोटी साइड का सम हमेशा बड़े वाले साइड, कोई भी दो साइड का प्लस करने पर हमेशा तीसरी साइड से क्या आनी चाहिए तो ट्रायंगल ड्रॉ, नहीं तो ये देखो तीन और चार कितना होता है पांच से बड़ा आ रहा है, चार और पांच कितना होता है तीन से बड़ा आ रहा है, तीन और पांच कितना होता है चार से बड़ा आ रहा है, इसमें क्या होगा दो और तीन कितना होता है
दो और एक तीन होता है, तीन के बराबर है, बड़ा हुआ क्यों, समझा, बड़ा ही होना चाहिए। अब राइट एंगल का मतलब क्या होता है, जिसका एक एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब, दोनों में एक ही डेफिनेशन, मैंने बोला राइट एंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, मतलब राइट एंगल में और भी बहुत सारे एंगल रहते, क्या आप भी बोल रहा हूँ, मैंने पहले पूछा राइट एंगल मतलब क्या, ऐसा एंगल जिसका मेजर कितना डिग्री करे, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, हाइपोटेनस होना चाहिए, हाँ क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जो सम 90 डिग्री हो, है ना, क्या किसका मेजर, ट्रायंगल का मेजर, जिसके एक साइड का मेजर कितना डिग्री हो, साइड्स का मेजर 90 डिग्री एंगल में, डिग्री में गिनना है हमको, ठीक है, अच्छा एंगल का मेजर कितने, कितने एंगल का मेजर, एक एंगल का मेजर कितना डिग्री होना चाहिए, उसे कौन सा बोलेंगे, राइट एंगल, मेजर ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बचपन से यूज किए, ए बी सी हो गया, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री नहीं है क्या, ए सी क्या हो जाएगा छोटी, हाँ हाँ, तो क्या बोलते हैं उसको, और हाइपोटेनस किसे बोलते हैं, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पे दिया 90 डिग्री, बी पे दिया, बी क्या है, बी क्या है ट्रायंगल का, बी क्या है ट्रायंगल का, कि वर्टेक्स, वर्टेक्स है कि एंगल है, वर्टेक्स है कि एंगल है, ये क्या हो गया मेरा, ये एक साइड होगी और ये एक, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, इसमें टोटल तुमको देखो क्या क्या पढ़ना है, पहला तुमको पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ कितने थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल पहला, दूसरा है जियोमेट्रिक मीन थ्योरम, कौन सा, तीसरा थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा, चौथा है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, पांचवा थ्योरम है तुम्हारा, पांचवा थ्योरम नहीं है एप्लीकेशन है, क्या है इसका, पाइथागोरस थ्योरम का, इसमें दो है, एक एक्यूट एंगल है और एक मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल और एक मेरा, लास्ट बचता है तुम्हारा एक थ्योरम, इसको बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम, कौन सा थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन के ऊपर बेस है, इसके ऊपर बेस है, एप्लीकेशन समझता है तो अपोलोनियस समझता है, अगर एप्लीकेशन नहीं समझा तो अपोलोनियस, ठीक है। अब एक होता है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े इसके पहले, इसके बारे में नहीं पढ़े, अच्छा 8 सीबीएसई किसका किसका था, तो नहीं तो बोलो ही नहीं, वो मुंह से निकालो ही ना बिल्कुल, किस, हाँ हाँ, अच्छा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पढ़ा, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, तीन, क्या होता है, तीन नंबर के बीच का रिलेशन, ऐसे तीन नंबर जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करे, है ना, मान लो तीन नंबर है मेरा ए बी सी, है ना, क्या है ये नेचुरल नंबर है, क्या है, अभी जो मैं लिख के दूंगा जो भी इक्वेशन, उन तुम इक्वेशन का यूज करके तुम कोई भी पाइथागोरियन तीन नंबर निकाल सकते हो, ऐसे नंबर जो क्या शो करते होंगे एकमेक में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या शो करते होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब कुछ नहीं होता है, मान लो तीन नंबर दिया है, तीन नंबर लिया मैंने 3 4, इसमें जो बड़ा साइड है, बड़ा नंबर है कौन है, इसका स्क्वायर जो भी आएगा, इसका स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर का सम इसके बराबर आना चाहिए, जैसा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, सेम वैसा ही, पाई का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना हुआ, अगर ऐसा हो रहा है तो तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे, अगर नहीं हो रहा है तो नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, समझा, हाँ
जरूरी नहीं है कॉन्सिक्यूटिव होंगे, कैसे भी हो सकते हैं, हाँ नेचुरल होने चाहिए। चलो अब तीन चीज क्या होना है, पहला होना है ए स्क्वायर, एक है एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर माइनस, तीसरा है टू ए बी। क्या है ये तीन चीज का यूज करके तुम जितने चाहे उतने नंबर बना सकते हो, जो एक में एक को क्या रहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट करेंगे, ये देगा पहला नंबर, ये देगा दूसरा नंबर, ये देगा। अब इसमें से ए बी की वैल्यू नेचुरल नंबर रखना है, कौन सा, बट एक कंडीशन के साथ, ए की वैल्यू जो भी रखोगे हमेशा बी से क्या होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ए की वैल्यू जो भी रखोगे हमेशा बी से क्या होना, मान लो मैंने ए रखा टू, क्या रखा, तो बी क्या लिया मैंने छोटा है, यहाँ पे रखो टू का स्क्वायर कितना होता है, अब और ये फाइव हो जाएगा है ना, टू का स्क्वायर कितना होता है वन का स्क्वायर, एक नंबर मिला, या टू का स्क्वायर कितना होता है, और फोर में से वन गया मिला दूसरा नंबर, यहाँ पे टू टू सा फोर वन सा तीन नंबर मिले। अभी चेक किया हमने, ये तुम ये तीन चीज का यूज करके जितने चाहे उतने पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले नंबर फॉर्म कर सकते हो। इसके ऊपर ये सिर्फ याद रखना है कि इसका यूज करके तुम जितने चाहे उतना यूज कर सकते हो, ठीक है, जितने चाहे उतने फॉर्म कर सकते हो। कौन से ऐसे नंबर तुमको मिलेंगे जो एक मेक में क्या शो करते होंगे, ये वाला रिलेशन पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला, कौन सा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है एमसीक्यू में, यही बोलता है चार दे देंगे ऑप्शन में, एक दो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन। अब ट्रिपलेट हमको बताना है तो सिंपल है, जो तीन नंबर दिए है, जो तीन नंबर दिए है उसमें से सबसे बड़े का क्या लेना स्क्वायर, उसका स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आना तो ही क्या होगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर नहीं हो रहा तो नहीं है। जैसे एग्जांपल में इधर ले लो, नंबर ले लिया मैंने वन टू थ्री, क्या ले लिया, थ्री का स्क्वायर कितना होता है सबसे बड़ा यही है, बाकी दोनों के स्क्वायर का सम वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, वन प्लस फोर कितना होता है आए का इक्वल, तो ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएगा तो है, समझा, इक्वल आना चाहिए, बड़े नंबर का स्क्वायर हमेशा दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होना ही चाहिए, ऐसा बोलो, दोनों छोटे नंबर का स्क्वायर का सम बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होना तो ही वो नंबर क्या कहलाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या कहलाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, समझा। ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर एक मार्क का क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यूज में, क्वेश्चन वन के ए में देगा या क्वेश्चन वन के बी में देगा, बस समझा कि नहीं। थ्योरम ऑफ सब नाइन्थ का ही है, 30 60 90, पढ़े है थ्योरम इसके पहले, 30 60 90 प्रॉपर्टी पढ़े उसकी, क्या बोलता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, कल बोला था पढ़ के आना, हाँ हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पूछा मैंने, हाँ ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कोई उसके दो एंगल अगर एक्यूट है, उसके दो एंगल ऑफकोर्स एक्यूट होना ही है, हाँ कि ना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके बाकी दोनों एंगल ऑब्ट्यूस तो होने वाले नहीं है, दोनों क्या रहेंगे, क्या होता है एक्यूट एंगल कि ग्रेटर देन 90, लेस देन 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं एक्यूट, और ग्रेटर देन 90 को ऑब्ट्यूस। तो एक मान लो 30 डिग्री और एक मान लो कितना डिग्री है 60 डिग्री, कितना है एक 30 और एक कितना है, तो थ्योरम बोलता है कि 30 डिग्री का जो अपोजिट साइड रहेगा, 30 डिग्री का जो वो हाइपोटेनस का 1/2 टाइम्स रहेगा, कितना रहेगा समझा, और जो 60 डिग्री का साइड का अपोजिट रहेगा, जो 60 डिग्री एंगल का अपोजिट साइड रहेगा वो हाइपोटेनस का कितना टाइम्स रहेगा, √3/2 टाइम्स, कितना रहेगा, हमको सिर्फ ये याद रखना है जो मैं लिख के दूंगा अभी, पहला साइड अपोजिट टू साइड अपोजिट 30 डिग्री क्या होता है 1/2 इंटू, समझा, दूसरा साइड अपोजिट टू साइड अपोजिट 60 डिग्री क्या होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनस, ये याद, यही हमारे को काम में आने वाला है, समझा, ये दो चीज, हाँ 90 का कुछ नहीं रहता है रिलेशन, कुछ नहीं, वन मिलेगा हाइपोटेनस से मिलेगा, ठीक है समझा। अब इसका कन्वर्स क्या, इसका अब कन्वर्स का एक यूज करते हैं, मैं बताता हूँ, कन्वर्स तभी अप्लाई करना जब राइट एंगल दिया हो, कन्वर्स तभी अप्लाई करना पड़ता है जब क्या दिया हो, है ना, अब राइट एंगल दिया तो जरूरी क्या कि बाकी दोनों एंगल 30 60 होंगे, 45 45 भी हो सकते हैं और जैसा चाहे वैसा हो सकते हैं कि नहीं, 80 10 भी हो सकते हैं, अरे हाँ कि ना। कन्वर्स से हमको क्या बताना पड़ता है, एक एंगल तो देखो कन्वर्स वही लगेगा जहां कौन सा ट्रायंगल रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल,
हम बाकी दो एंगल का मेजर निकालने के लिए बताते हैं कि भैया बाकी दोनों एंगल है, एक 30 डिग्री है 60 डिग्री, वो पता करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, कन्वर्स किसका 30 60 90 का किसका, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक साइड लिया, कन्वर्स क्या बोलता है स्टेटमेंट में लिखा दूंगा, सब सब लिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ए बी सी हो गया 6, हो गया 3, हो गया मेरा 3√3, ठीक है। साइड समझा रहा हूं मैं, क्या बोलता है जो छोटी साइड रहेंगी, जो छोटी साइड रहेंगी वो अगर हाइपोटेनस का 1/2 टाइम्स है, सॉरी हाइपोटेनस जो है कौन है, हाइपोटेनस जो है छोटी साइड का 2 टाइम्स है, कितना टाइम्स, या फिर जो छोटी साइड है जो वो हाइपोटेनस का कितना टाइम्स होगा, 1/2 टाइम्स, कितना टाइम, तो छोटी साइड का अपोजिट एंगल 30 डिग्री करें, छोटी साइड का अपोजिट एंगल है 1/2 टाइम्स, है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, बीसी कितना है, समझा, छोटी वाली साइड हाइपोटेनस का अगर कितना टाइम्स है, 1/2 टाइम्स, या उसको उल्टा पढ़ो, हाइपोटेनस अगर छोटी साइड का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो छोटी साइड का अपोजिट एंगल कितना डिग्री रहता है, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। नेक्स्ट वही अब इधर, ठीक है, अगर बड़ी वाली साइड, कौन सी साइड, हाइपोटेनस का किसका √3/2 टाइम्स है, कितना टाइम, तो बड़े साइड जो ये मेरे ये वाली साइड है इसका अपोजिट एंगल कितना डिग्री रहेगा, √3/2 टाइम्स है, आंसर आ रहा 3√3। यही हमको चेक करना पड़ता है कि जो छोटी साइड हो ना वो हाफ होना किसका, हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस तो फिक्स रहे ना ये, क्योंकि मैंने बोला कन्वर्स तभी अप्लाई करना जब ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 डिग्री आ गया तो राइट एंगल हो ही गया, तो जो जो लेंथ दी रहेंगे ना बस उससे हमको कंपेयर करना पड़ता है कि भैया 2 टाइम्स है कि नहीं है, हाइपोटेनस इसका 2 टाइम्स है कि नहीं है, या छोटी वाली साइड इसका 1/2 टाइम्स है कि नहीं है, अगर 1/2 टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा, 30, तो इसको फिर दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये 30 हो गया और ये कितना है, तो ऑफकोर्स ये वाला कितना डिग्री रहेगा, 60, तुम उससे भी निकाल सकते हो किससे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, ये 30 हो गया ये कितना है 90, तो ऑफकोर्स कितना आएगा, समझा कि नहीं, ये नहीं समझा, ठीक है मत समझो कोई दिक्कत नहीं है, समझाना हाँ बस, 3√3 वाला इतने टाइम्स होना, सेम उसी का उल्टा चलना है, 60 डिग्री का अपोजिट साइड √3/2 टाइम्स होता है ना, तो बस ये वाला साइड √3/2 टाइम्स है तो इसका अपोजिट एंगल कितना डिग्री रहेगा, 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। कन्वर्स से हमको यही बताना पड़ता है कि एंगल 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, 30 डिग्री है या, समझाइए। अब आगे एक और है इसमें थ्योरम, थ्योरम ऑफ 45 45 90, मतलब इससे पता चल रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री और बाकी दोनों एंगल कितना डिग्री है, 45 40। ए बी सी, ए बी सी, चलो इसमें एक ही फॉर्मूला है हमारा, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू क्या होता है, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, क्या होता है, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब बोलेंगे भैया कौन सी साइड लो, तुम्हारे ऊपर कंसिडर करना है, तुम ये वाली एंगल ले रहे हो या ये वाला एंगल ले रहे हो, ठीक है, हमको जिस एंगल की जरूरत रहेगी वाला पकड़ेंगे, ए वर्टेक्स वाला जरूर रहेगा तो ए लेंगे, सी वाला रहेगा तो सी लेंगे, दोनों में एक ही, दोनों में एक ही लगता है, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, 1/√2 इंटू, अब कन्वर्स में भी वही है कि भैया दोनों में से एक साइड, दोनों में से अगर हाइपोटेनियस का कितना टाइम्स रहेगा, 1/√2 टाइम, कितना, 1/√2 टाइम, तो वो साइड का अपोजिट एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 45, कितना डिग्री, अगर वैसा नहीं जम रहा, अगर वैसा तो ऑफकोर्स, अगर मान लो ऐसा दिया है, अब एक एक जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुमको एंगल साइड दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, साइड्स ऑलरेडी दिया रहेगा, तो तुम साइड्स की लेंथ अगर इक्वल है, ये दोनों साइड की लेंथ क्या होगी, इक्वल, क्योंकि ये भी 45 रहेगा और ये भी कितना है, तो साइड अपोजिट एंगल क्या होंगे, अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, सेम, कॉन्ग्रुएंट एंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, सेम, कौन सा थ्योरम, आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम, तो दो साइड क्या होगी इसकी, सेम, तो ऑलरेडी इसकी दो साइड सेम दिया रहेगा, तो तुम यहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हो, आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम, ये दोनों एंगल इक्वल बता दूंगे और फिर यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, वहां से तुम 45 निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन काफी लंबा प्रोसेस रहता है।
ये समझाना कहाँ से है। अब देखो इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स बोलता है अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अब बाकी उसके एंगल बताने कितना है ना, एंगल का मेजर कितना है, 45-45 या 30-60। सिर्फ इसी के लिए, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है, ठीक है, सिर्फ 45-45 या 30-60। तो 30-60 का तो समझा, 30 बड़ी छोटी साइड 1/2 रहा तो उसका अपोजिट 30 हो जाएगा, मिडल वाली साइड √3/2 टाइम्स रहा तो उसका अपोजिट एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। सेम वैसा ही अगर छोटी वाली दो, अब देखो दो ही साइड बचेंगे, ये तो मेरा हाइपोटेनस हो गया, क्या हो गया मेरा साइड बचा, ए बी और बी सी, दोनों में से कोई एक उठा लेना, अगर वो हाइपोटेनस का कितना टाइम्स रहा, या फिर ऐसा बोलने का कि हाइपोटेनस कौन छोटे वाले साइड का कितना टाइम्स रहा, √2 टाइम्स, कितना टाइम, तो ये वाली साइड का अपोजिट एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 45। अब ये 45 हो गया तो ये भी कितना रहेगा, समझा हाँ कि ना। ये थ्योरम तुमको प्रूफ करने के लिए नहीं आने वाले, बट इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, बीच बीच में यूज होता है, ये सब यूज होता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री वगैरह, या फिर एंगल का ये करने के लिए, ये एंगल का मेजर निकालने वगैरह के लिए आता है, ठीक है। √3, 2 और 6। हाँ नहीं, मैंने मन से नहीं लिया था, पहले से था, हाँ दूसरी वैल्यू देख के ही वो ओरली समझ जाता है तुमको, और अभी हमको एक दो क्वेश्चन करोगे ना तुम खुद ब खुद इससे रिलेटेड हो जाओगे, कन्वर्स मतलब क्या हो गया इसका, जैसे बीपीटी फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था तब बहुत डेंजर लग रहा था, जैसे जैसे क्वेश्चन चालू हो गए देख के ही समझ जा रहा है कि भैया क्या अप्लाई करना है, बीपीटी अप्लाई करना है, एंगल बायसेक्टर अप्लाई करना है, या थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करना है। तो वैसे ही जैसे इसके क्वेश्चन होंगे ना तुम ओरली देख के बता लोगे कौन सा एंगल 30 आने वाला है, कौन सा एंगल 60 आने वाला है, कौन सा एंगल 45 आने वाला है, एक दो क्वेश्चन जैसे सॉल्व हो जाएंगे ना तुम्हारे हाथ से ओरली खुद ही पहचान लोगे कि 30 कौन होने वाला है, 60 कौन होने वाला है, 45 कौन होने वाला है, ओरली देख के बता सकते हो, समझे यहाँ तक, किसी को डाउट पक्का ना, कुछ पूछना है और, हाँ 30-60-90 कन्वर्स तभी लगाना जब राइट एंगल रहे, चाहे 45 करे या 30-60 करे, 45 करे या एबीसी लिया मैंने, ये मान लो स्मॉल साइड है, ये मिडल वाली, और मेरा क्या हो गया हाइपोटेनस, तो जो सबसे छोटी साइड रहेंगी, जो सबसे वो अगर हाइपोटेनस का आधा रहा, कितना रहा, या उल्टा चलो, क्या चलो, जो हाइपोटेनस है जो मेरा, वो छोटी वाली साइड का कितना टाइम्स रहा, 2 गुना रहा, कितना रहा, तो 2 गुना मतलब छोटी वाली साइड का अपोजिट एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, समझा। अब इसके ऊपर आते हैं, जो मिडल वाली साइड रहेंगी जो मेरी, वो हाइपोटेनस का कितना टाइम्स रहा, √3/2, या फिर हाइपोटेनस इसका कितना रहा, 2/√3 टाइम्स, 2/, तो ये मिडल वाले साइड का अपोजिट एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, कितना डिग्री, समझा। वैसे ही सेम किसका करना है, 45-45 का कन्वर्स, समझा आ तक, हाँ हाँ बोला ना मैं 10 बार तो बता रहा हूँ कि ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, तभी अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई करने की जरूरत, अब बोलेंगे भैया अगर क्वेश्चन में जरूरत है तो ट्रायंगल को 90 डिग्री कैसा बताए, तो उसके लिए हमारे को एक थ्योरम भी पढ़ना है जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का यही काम है, कोई भी ट्रायंगल को ये बता देता है राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल को क्या बना देता है, राइट एंगल ट्रायंगल, कन्वर्स ऑफ, देखो पाइथागोरस क्या बोलता है, राइट एंगल में लगाओ, कहाँ लगाओ, कन्वर्स बोलेगा भैया कोई भी ट्रायंगल को मैं राइट एंगल बना सकता हूँ, कोई भी ट्रायंगल को क्या बना सकता हूँ, बट मेरे जो कुछ पॉइंट है उसको क्या करना चाहिए, फॉलो, क्या करना चाहिए, बहुत आसान रहता, कुछ नहीं रहता कन्वर्स लगाने में, जैसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट करे ना वैसा ही करना पड़ता है, बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब बोलोगे 90 डिग्री किसको लेना, जो साइड सबसे बड़ी है, जो साइड सबसे, उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री मानते हैं, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, और हाइपोटेनस किसका अपोजिट होता है, 90 डिग्री का, तो जो साइड सबसे बड़ी उसका अपोजिट एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं रहा तो ये लगाना, और ऑलरेडी राइट एंगल दिया है तो फिर 30-60 वगैरह लगा के एंगल वगैरह यूज करना पड़ता, समझा, किसी को डाउट पक्का। कल हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट वाला एरिया सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, फिर दूसरा पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन।
चलो।